आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा डिसइंफेक्टेंट स्टरीक्लीन के बारे में, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा आपको। ये जर्मीसाइड है, मतलब जर्म्स को ख़त्म करता है। वायरसाइड है, वायरस को ख़त्म करता है। फंगीसाइड है, फंगस को ख़त्म करता है। और इसमें जो एक्टिव एजेंट है उसको बोलते हैं बेंजल कोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 12% वेट बाय वॉल्यूम। ओके, WHO ने जो रिकमेंड कर रखा है वो कर रखा है 5%। तो इसमें 12% है दोस्तों, और एक 250 ml की बोतल से आप लगभग 250 लीटर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मानक दे रखे हैं कि अगर आपको घर पे यूज़ करना है तो 10 लीटर पानी में 10 ml, और अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया को अगर क्लीन करना है तो 4 लीटर वाटर में 10 ml डाल दीजिए, और अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपको हॉस्पिटल जैसा एरिया है, चाहे पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे हाईली इन्फेक्टेड कंडीशंस रहती हैं और बहुत ज़्यादा संक्रमण होने का डर रहता है, तो वहाँ पे आप 1 लीटर में 10 ml डाल सकते हैं। इससे आपको जो सफाई करनी है वो स्प्रे की इस तरह से बॉटल आपको मिल जाएगी बाज़ार में, 35-40-50 रुपए की मिलती है, आपने सबने देख रखी होगी। इसमें 1 लीटर पानी ले लीजिए और 10 ml इसमें डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन डाल दीजिए, जो कि हमारा मोदी केयर का स्टेरिक्लीन है। मैं रोज़ दोस्तों, ये मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे मैं डेली सुबह और शाम दिन में 3 बार इस डिसइंफेक्टेंट से संक्रमण मुक्त करता हूँ मैं पूरे एरिया को। इससे हम दीवारों को छिड़काव कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, टेबल्स पे कर सकते हैं, अपने टेबल टॉप पे कर सकते हैं, सिंक पे कर सकते हैं, बेड में कर सकते हैं, फोटो फ्रेम्स, डोर नॉब्स, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, बाथरूम्स, कचरे का डिब्बा, डस्टबिन, इन सब चीज़ों के हम लोग स्प्रे करते हैं। आइए दोस्तों, किस तरह से हम लोग डिसइंफेक्टेंट करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फैन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि नाक में जाएगा, सांस में जाएगा तो थोड़ी सी आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और ये देखिए डोर नॉब्स इस तरह से, थोड़ी देर अगर ये रहेगा इसमें लगा हुआ तो जो भी वायरस, अगर मान लो अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है भी सही, तो टेबल, पेशेंट टेबल, काउंटर टेबल, इस तरह से हम लोग हर एक एरिया को, इवन मेडिसिन्स पे भी आप डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि बर्न बॉटल्स हैं। और निश्चिंत हो जाइए
कि आपको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आज के समय में जब बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है और हर तरफ एक डर लगा हुआ रह रहा है कि हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो बचाव ही उपचार है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और